कि समान को देखना तो आसान होता है, कोई समान चीज है, इक्वल है, उसको देखना, उसको पढ़ना, उसको करना आसान है कि नहीं है। आठ मात्रा की आपने ठादुगुण चौगुण अभी करके दिखा सकते हो, भले रियाज भी नहीं किया उस चीज का बहुत टाइम से, लेकिन सीधी सीधी रूपक की अगर मैं ठादुगुण कर दूं वो नहीं हो पाएगी, मुश्किल पड़ जाएगी कि यार रियाज नहीं हुआ अभी उसका। आम इंसान की बात कर रहा हूं, आपके लिए है ना। तो ये चीज होती है, असमान को देखना असंभव है हमारे लिए, असंभव के समान हो जाता है। ऐसे हालात हो तो क्या करे, ये करे ना करे क्या करे। किसी भी राग में ज्यादातर ख्याल हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में तीन ताल में होते हैं, ये चीज ऑब्जर्व करी आपने? इतने टाइम से संगीत में हो, कुछ कुछ ख्याल भी सुने होंगे, क्लासिकल म्यूजिक सुनते भी होगे, जाना भी होगा, थोड़ा बहुत सीखा भी होगा, क्या ये सवाल कभी मन में उठा कि अधिकतर जो ख्याल हैं, ज़्यादातर जो ख्याल हैं, छोटे ख्याल हैं, छोटी बंदिशें हैं, है ना, वो तीन ताल में ही क्यों हो रही हैं? भले आप यमन गाएं, नि रे गा मा गा मा गा नि रे गा मा पा मा दा नी हे री आ लि पी आ वे न सखिए री आली पिया बिना सखिए कलना परत मोहे घरी पल छिन दिन एरी। ये भी तीन ताल में था, है ना, या फिर गरे गधा परे सारे धा सारे गा जाऊं तोरे चरण कमल परवारी। ये भोपाली का बहुत प्रसिद्ध ख्याल है, जाऊं तोरे चरण कमल परवारी हे गोपाल गोविंद मुरारी, जाऊं तोरे चरण कमल परवारी। ये भोपाली है, बहुत प्रसिद्ध राग है ना, या यूं कहें भीमपलासी, जो भी बहुत प्रसिद्ध राग है, जो बेसिक बिगिनियर लेवल पर सीखी जाने वाली ये रागे हैं उमूमन, जो भातखंडे के सिलेबस के अनुसार सिखाते हैं। नि सा ग म प ग म प नि द प म प ग म ग रे सा जा जा रे अपने मंदिर वा जा जा रे अपने मंदिर वा सुन पावेगी सास नन दिया सुन पावेगी सास नन दिया जा जा रे जा जा रे अपने मन, है ना। ये भी आपने ख्याल सुना होगा, इसी तरह से मालकोंस का एक ख्याल होता है, धनी सा मा गा मा धा गा मा नी दा मा ना ना रे ना ना धनी सा मैं पिया संग लड़ पछतानी। सुना ये ख्याल, मैं पिया संग लड़ पछतानी देखो ऐसी मद की है नी मैं पिया संग, या फिर इसी का कोयलिया बोले अमवा की डार पर कोयलिया बोले अमवा। तो ये अलग अलग रागों के मैंने एग्जांपल्स इसीलिए दिए क्योंकि ये सारे ख्याल जितने मैंने अभी सुनाए ये सब के सब तीन ताल में थे, त्रिताल में थे। उमूमन जितने गीत आप सुनते हो, जितने भजन, जितनी गजलें आप सुनते हो, वो कहरवा में होती हैं, एट में होती हैं, 4/8, 4/4 में होती हैं। ऐसा क्यों होता है? पर और भी तो ताले हैं, जपताल है, एकताल है, रूपक है, दादरा है, कहरवा है, सूलताल है, नौ मात्राएं हैं, इतनी सारी दूसरी ताले हैं, उनमें न होकर, या ये नहीं कह रहा हूं कि उनमें होते नहीं पर कम होते हैं, ऐसा क्यों? और तीन ताल में ज्यादा क्यों होते हैं, ऐसा क्यों? और यही जवाब मेरा आपके लिए लाइट म्यूजिक के लिए भी है कि लाइट म्यूजिक के गाने आठ मात्रा में ज्यादा क्यों होते हैं, चार चार की बांट में ज्यादा क्यों होते हैं, और बहुत कम ऐसे गाने जो आपको दादरा या रूपक में मिलते हैं, ऐसा क्यों? कि इक्वल डिविजन है, कहरवा और तीन ताल का इक्वल डिवीजन है, बराबर बराबर का डिवीजन है, इस वजह से वो हमें फैमिलियर जल्दी हो जाती है। आपको संगीत नहीं भी आता है तब भी आपके अंदर जो ग्रूव है, जिसे हम छंद कहते हैं, जिसे हम चाल कहते हैं, बांट कहते हैं, डिवीजन कहते हैं, समान डिवीजन, इसे कहते हैं सिमेट्री, हमारे बुद्धि में सिमेट्री बसी हुई है,
सिमेट्री समझते हो? ज्योमेट्री का पार्ट है मेरे ख्याल से ये, मैथमेटिक्स में सिमेट्री पढ़ी है आपने? हाँ हाँ, जो चीज पैरेलल है, जो चीज समान है, यानी अगर टीवी है तो ये एक आकार में है, अब ये टेढ़े मेढ़े आकार में होगी तो एक बार से हमारा दिमाग इसको रजिस्टर नहीं करेगा। हमें आदत है पेड़ को देखने की कि पेड़ का तना नीचे होता है और शाखें ऊपर होती हैं। किसी दिन कोई पेड़ उल्टा दिख जाए तो एक बार में रजिस्टर नहीं होगा। हमें आदत है ये देखने की, सिमेट्री देखने की, कि दो पाँव पे चलने वाला आदमी होता है, दो हाथों पे चलने वाला मिल गया तो अजीब लगेगा। हमें आदत होती है चार पैरों वाला कुत्ता देखने की, किसी दिन तीन पाँव पे या फिर पाँच पाँव वाला कुत्ता दिख गया या दो मुँह वाला कुत्ता दिख गया तो अजीब लगेगा। तो ये ह्यूमन इवोल्यूशन का पार्ट है, ये हमारी साइकोलॉजी है, मानसिकता है, कि हमें इक्वल चीज़ें जल्दी समझ आती हैं बाइनरी में, क्योंकि हम लोग बने हुए हैं, हमारा निर्माण ही बाइनरी में हुआ है, दो दो चीज़ें, दो दो में चलेगा। तो हमारी चाल, एक नॉन म्यूजिशियन भी चार की और आठ की ताल में नाचता है, धिंग तक कचकितक, धिंग तक कचकितक, धिंग तक कचकितक, ये चल रहा है जो है ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। भांगड़ा भी होता है तो इसी में होता है, धिंगड़ा कतिकड़क, धिंग नक तिक नक चिक नक, धिंग नक धिंग नक चिक नक चिक। तो ये जो कहरवा है, यहाँ तीन ताल है, इसकी बांट क्योंकि समान है और समान चीजें हमारा दिमाग जल्दी रजिस्टर करता है इक्वल डिवीजन में। इसका मैं बहुत एक एग्जांपल देता हूँ, हमारा दिमाग सिमेट्री में या पैटर्न्स में क्यों चलता है। साइकोलॉजी में मैंने पढ़ा था, हम लोग नंबर बोलते हैं, मोबाइल नंबर, हम नाइन, जैसे मैं अपना नंबर बोल रहा हूँ, 9824 9824 79221, इस बांट में नहीं बोलते हैं। हमारी नंबर की बांट फिक्स है 9828479211, 2 3 2 3, क्योंकि हमारे नंबर 10 हैं। तो ये आदत पड़ी, आप कहीं भी देखेंगे ना, ध्यान से देखेंगे, अगर बोलने की आपकी किसी की आदत आप महसूस करें तो इस तरह से नंबर बोला जाता है। जो लोग दो दो करके नंबर बोलते हैं ना, वो रजिस्टर नहीं होता है कई बार, कि अरे दोबारा पूछना पड़ता है, अरे क्या हुआ, कितने नंबर हुए, दोबारा बोलना, कि 9828479211, इस तरह से हम नहीं बोल पाते हैं। उमूमन हम ऐसे ही बोलते हैं कि 9828479211, या फिर बोलेंगे 9828479211। हमारी आदत है उसे इक्वल बांटने की या एक पैटर्न में चलने की, है ना। पैटर्न में चलने की आदत तो है, लेकिन इक्वल पैटर्न में चलने की ज़्यादा आदत है, क्योंकि हमारा जिस्म, हमारा दिमाग जो है सिमेट्री को ही समझता है। जैसे ही एसिमेट्री आती है ना, हम पहचान नहीं पाते हैं या हम फैमिलियर नहीं होते हैं। इसका एक और एग्जांपल देता हूं, हमें आदत है फेस की एक सिमेट्री होती है, आप जानते हैं, बॉडी की, फेस की एक सिमेट्री है। हमें मालूम है कि गोरा रंग सिमेट्री में आता है, गोरा रंग है तो हाँ ये अच्छा लगेगा, रंग जैसे ही बदला हमें अच्छा नहीं लगेगा। कहते हैं ना यार, इसके नैन नक्श ठीक नहीं है लड़की के या लड़के के। वो नैन नक्श क्या चीज़ है? नैन आंखें, ज्यादा बड़ी हैं, ज्यादा छोटी हैं, ज्यादा बड़ी हैं डरावनी लग रही हैं, ज्यादा छोटी हैं चाइनीज लग रही हैं। हम तुरंत ऐसी उलझुलूल अजीबोगरीब बातें करने लगते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में सिमेट्री तो है कि आंखों का शेप तो ऐसा होना चाहिए कि बादाम की जैसी आंखें हों, नाक कैसी, ज्यादा लंबी है तो भी अरे यार तीखी नाक है, छोटी सी कैसी, सुअर जैसी नाक है। जैसे ही एसिमेट्री आई हमें तकलीफ होती है, हमें क्योंकि सिमेट्री की आदत है, हमें चार चार की बांट की आदत है। जैसे ही मैंने कहा कि दो तीन पांच की बांट है, ये खंड जाति में जाओ, मौत आ जाती, कैसे करेंगे यार, यार ये तो है ही नहीं। जैसे ही सात का बोल दिया कि तीन दो दो में जाना है, नहीं कर पाते हैं, है ना। जैसे ही नौ का कह दिया मैंने कि दो 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 तीन, तो गिना नहीं जाएगा। लेकिन आठ मात्रा की तो ठा दुगुन चौगुन सब करवा लो, लेकिन मैं कहता हूं आठ की तिगुन करो, पांच गुन करो, तो वहां भी तकलीफ हो जाती है। तो कौन ये जो कहता है ना कि आठ मात्रा और सोलह मात्रा आसान होती है, वो बेवकूफ आदमी है। आठ और सोलह आसान नहीं होती है, उसकी बांट, चार चार की बांट आसान होती है, क्योंकि वो हमारी फैमिलियरिटी है, हमें सिमेट्री से फैमिलियरिटी है, हम एसिमेट्री बर्दाश्त नहीं कर सकते, है ना। तो ये बहुत होता है, एसिमेट्री लोग पसंद नहीं करते। यही एग्जांपल मैं उन लोगों को देता हूँ जो ये मुझसे कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर ख्याल आठ में या सोलह में ही होते हैं, तीन ताल में ही होते हैं, आठ में तो नहीं होते, आठ में तो गाने होते हैं, आठ में ख्याल नहीं होते, सोलह में गाने नहीं होंगे, सोलह में ख्याल होंगे, सोलह में पुराने गीत बना करते थे, मधुबन में राधिका नाच रहे, वो जैसे तीन ताल में है, है ना। जैसे ऐसे जो गीत हैं जो शास्त्रीय संगीत पर आधारित हैं, जिसमें शास्त्रीय संगीत का ही वहाँ डिस्प्ले भी हो रहा है, वो उसमें तीन ताल लगेगी, झपताल लगेगी। जैसे ही झपताल करते हैं वो अनइक्वल है, आपने सही सटीक जवाब दिया था कि वो इक्वल है, वो ऑड है, है ना। जैसे ही ऑड होगा, एवरेज हाइट हमें मालूम है यार इतनी होनी चाहिए, ज़्यादा लंबा होता तो हम कहते हैं क्या ताड़ जैसा लंबा है, है ना, कि पहाड़ जैसा, क्या ऐसा लंबा डंडी जैसा, है ना, ज्यादा छोटा तो क्या नाटा एकदम, है ना। तो हमें वो सिमेट्री ही पसंद है, एक फिक्स हाइट,
कि वही देखनी है हमको, रंग रूप आकार वैसा ही, फिगर आकार वैसा ही देखते हैं। ज्यादा पतला है तो क्या माचिस जैसा है, ज्यादा मोटा है तो कैसा है यार, गेंद जैसा या गेंडे जैसा, वो फिक्स। हमने आकार भी सिमेट्री में बना रखा है कि ऐसा ही होना चाहिए। उसी तरह से जैसे ही गीत में अगर 8 की जगह 6 भी लगा दी या 7 लगा दी ना, तो यही होता है। यही जो ख्याल तब आता है जब एक एसिमेट्रिकल शेप देख के आता है, वही ख्याल हमारे दिमाग में तब आता है जब हम अनइक्वल बीट्स, अनइक्वल डिवीजन की बीट्स में गाने लग जाते हैं कि यार ये क्या बात हुई कि 1 2 3 1 2 1 2 ऐसे क्यों जा रहे हो, इसमें तो डांस भी नहीं कर सकते। आपने कभी देखा है शादियों में ऐसे गानों को बजते हुए जिसमें रूपक चल रही हो या झपताल चल रही हो? करिए इमेजिन, वो बहुत ज्यादा फनी चीज हो जाती है, हिस्टोरिकल है। आपने कभी महसूस किया हो, कभी देखिएगा आप शादियों में जाके कि कोई इंसान रूपक पे नाच रहा हो, मुझे बताइए आप, या झपताल का कोई गाना बज रहा हो, नाच ही नहीं पाएगा, क्योंकि समझ चाहिए उसमें नाचने के लिए। 8 मात्रा में नाचने के लिए किसी को समझ नहीं चाहिए, कोई नौसिखिया भी नाच उठता है क्योंकि 8 मात्रा हमारे अंदर है। किच किच किदिंग किदिंग किच किच ये, क्योंकि इतनी बजी है हमारे आसपास कि इतना हमारे रग रग में बस चुकी है, वो इतनी फैमिलियर है उनसे। यही तो बात, वही तो मैंने दुनिया और संगीत दोनों का ही पैरेलल एग्जांपल दिया है कि जहां सिमेट्री है, जहां सब कुछ समान है, वो आसान है देखना, लेकिन जैसे ही असमान है तो उसको देखना असंभव हो जाता है। समान को देखना आसान है और असमान को देखना असंभव, ये समझ लीजिए वाक्य है, नोट कर सकते हो आप, है ना, कि समान को देखना तो आसान होता है, कोई समान चीज है, इक्वल है, उसको देखना, उसको पढ़ना, उसको करना आसान है कि नहीं है। 8 मात्रा की आपने ठादु गुण चौगुण अभी करके दिखा सकते हो, भले रियाज भी नहीं किया उस चीज का बहुत टाइम से, लेकिन सीधी सीधी रूपक की अगर मैं ठादु गुण कर दूं वो नहीं हो पाएगी, मुश्किल पड़ जाएगी कि यार रियाज नहीं हुआ है अभी उसका। आम इंसान की बात कर रहा हूं, आपके लिए है ना, तो ये चीज होती है, असमान को देखना असंभव है हमारे लिए, असंभव के समान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि रूपक में नहीं होते हैं, ख्याल रूपक में भी होते हैं, है ना, रूपक में भी होंगे आपको, एक ताल में भी मिलेंगे आपको, क्या बोलते हैं आपको, झपताल में भी ख्याल मिलेंगे, है ना। अब जैसे आप भैरवी का बहुत प्रसिद्ध ख्याल है, सारे ग म प ध प म ग रे ग म रे सा भवानी दयानी महावाक बाणी सुर नर मुनि जन मानी सकल बुध ज्ञानी भवानी। ये झपताल में धिन नात्र धिन कृदिन दे नात्र तिन नात्र धिन दगिन धिन दगिन धिन नात्र धिन कृदिन दे नात्र तिन नात्र धिन दिन भवानी दयानी भवा। तो हमें हर मात्रा, हर छंद के ख्याल, हर छंद के तालों को सीखना होता है, वरना अधूरे रह जाएंगे, है ना। हमें आदत हो गई कि हम तो हमारे बस एक ही रंग रूप आकार वाली चीज़ों को ही हम एक्सेप्ट करते हैं, बाकी चीज़ें हमको एक्सेप्ट ही नहीं है, तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे, दिमाग कैसे खुलेगा? दिमाग तब खुलता है जब रंग रूप आकार की बंधनों को तोड़ बैठते हो, जब ताल के खंड छंद को तोड़ बैठते हो, तब जाके लय और ताल के असल रूप को समझते हो। आप उसे खंड में मत देखिए कि इसका 4 का, इसका 3 का, इसका 7 का, इसका 6 का, इसका 5 का, इसका 10 का, इसका 9 का, ये खंड की बाधाएं, खंड मतलब ही बाधा हो जाता है ना, खंड मतलब खंडित कर रहे हैं आप, उसमें आ रहे हैं, है ना। आप आजाद होने को खंडित कर रहे हैं, आप आजाद होना ही नहीं चाहते हैं, आप लय में आइए, लय अनंत है ना। नियम में अगर आप रहते हैं कि यार ये तो इतने का इतना ही है, हम उससे बंध जाते हैं कि यार 4-4 की बांट है या ये 3-3 की बांट है। बांट से परे जाओगे तब जाके खुलता है दिमाग। उसी तरह से जिस्मानी दुनियावी बंधनों से दूर जाते हो तो खुलता है दिमाग। एसिमेट्री, सिमेट्री ये क्या होती है, इससे दूर जाते हो तब जाके खुलता है दिमाग। क्योंकि संगीत का या इंसान का कोई रूप रंग आकार होता ही नहीं है, तो काय की सिमेट्री, है ना। सिमेट्री या एसिमेट्री उसे कहते हैं जिसका एक रूप, एक रंग, एक आकार होता है। गीत को गीत की नजर से देखोगे फिर तो गीत, हर गीत गा सकता है।